नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, गांव जो रसीदे पड़ता है और डाबी टैक्सिंग पड़ता है, यहां बीच एक रास्ता है, उस रास्ते में थोड़ी देर पहले एक गाड़ी में आग लगी है और जो गाड़ी है पूरी जलकर खाक हो चुकी है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें एक व्यक्ति सवार था। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे भी यह हादसा कैसे हुआ। फिलहाल एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। गाड़ी अल्टो है और अल्टो गाड़ी पूरी जलकर राख हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है, मौके पर पहुँची है। तो बताया जा रहा है कि जैसे हमने जो सूचना मिली है कि ये गाड़ी किसी पेड़ में लगी है और जिसके कारण से यहाँ पर वो आग के हवाले हुई है और आग लगी है इसके अंदर। आइए जानते हैं जो यहाँ पर खड़े हैं भी कैसे इसमें आग लगी और जो इसमें लोग बैठे थे वो सुरक्षित है या फिर उनको चोट वगैरह आई है, क्या कुछ बातें हैं अभी जान लेते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, चलाने वाला शराबी था, टक्कर उसकी वजह उन्हें मारी। अच्छा जी, कितने बजे की बात है जी? सवा दो बजे। सवा दो बजे जी? सवा दो बजे की टाइम है। अच्छा जी, हाँ हाँ। ओके, किस साइड से आ रहा था जी ये? इधर आ रहा ही, हाँ, रसीदा से आ रहा था। रसीदा से आ रहा था, डाबी टैक्सिंग जा रहा था। डाबी टैक्सिंग जा रहा थी, रसीदा से आ रहा थी। तो मौके पे कोई व्यक्ति था? ना जी, बच्चे स्कूल वाले। अच्छा अच्छा, स्कूल की बहन आ गई जी, उसने आग लगी बेटी बजाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो और भी लोगों से जानते हैं। नमस्कार जी, क्या कैसे आग लगी जी? ये गाड़ी रसीदा की तरफ से आई और ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, उसका बैलेंस बिगड़ने के बाद ये गाड़ी टाली में लगी और वो आग पकड़ गई। ऐसे ही ढाबी की तरफ से एक बच्चों की बहन आई, बच्चों ने उधर के ये आग बुझाई और उसके बाद ये डेरे वाले आए सारा, और गांव में अनाउंसमेंट हुई। गांव में आने के बाद सभी ने आग को बुझाया है। जो व्यक्ति इसके अंदर सवार था, बताया जा, आप बता रहे हो भी शराब पी हुई थी। हाँ जी हाँ जी। तो वो कैसी स्थिति में? वो स्थिति में उसके कुछ चोटें आई हैं और उसके यहाँ कान के पास से खून निकल रहा था, वो उधर चले गए अपने गांव में वापस। उसको कोई एम्बुलेंस में ले गए कैसे? अपने आप चले? नहीं, वो उसको कोई पीछे से आ रहे थे, वो बिठा के ले गए उनके परिवार के। नहीं नहीं, वैसे ही थे, को शराब पी हुई थी तो गाड़ी वो कंट्रोल से बाहर होगी और उसके बाद गाड़ी टाली में टकराई है, उसके बाद ही आग पकड़ गई। प्रशासन को सूचना मिल गई? प्रशासन को सूचना मिली, SHO गड़ी और चौकी इंचार्ज भी यहाँ पर पहुँचे। अच्छा जी, हाँ जी। तो अभी पता किया जी एक व्यक्ति कौन था? ये कालवण का सुने जी, ऐसे पूरा पता नहीं, कालवण गांव का ही पता, और अल्टो गाड़ी है ये। अल्टो गाड़ी है। तो अभी इनके परिवार के सदस्य कोई आई जो गाड़ी? अभी तक तो कोई नहीं पहुँचा यहाँ। अच्छा, सीधा ही आ गया जी, अभी भी आ गया, सारा गाँव आ गया, इकट्ठे हो गए। अच्छा अच्छा, इतने तो 200 आदमी इकट्ठा हो गया था। फायर ब्रिगेड ने बुझाई है जी? हाँ हाँ हाँ, ये मुंडे ने सारा पता बाद में आई है। अच्छा जी, हाँ जी भाई साहब, मौके पर थे आप? हाँ जी। हाँ, तो कैसे, क्या मामला हुआ ये बताया जरा? ये जी, स्कूल वाले बच्चे आए थे, वो घर पे गए तो कहने लगे भी यहाँ पे आग लगी हुई है, तो हम आए वहाँ से और तीन चार जब ये गाड़ी तो... थी तो वहाँ पर थी कि यहीं पर? नहीं नहीं सर, वहीं पे थी, वो टाली थी पास में ही। अच्छा अच्छा, उधर थी ये सर, जल रही थी। हाँ जी। चली इधर कैसे आई जी? ये तो अब लेके आए सर, बाद में ना बुझा बुझू कर ना आपको पानी का टैंक लेके आए, उसके बाद बुझा कर फिर यहाँ पे भी इधर कर दी, क्योंकि यहाँ पे तो बरसीन है, फसल बची रहेगी भी, कहीं वहाँ पे कोई और ब्लास्ट हो जाए तो फिर और नुकसान हो सकता। अच्छा अच्छा, यानी कि स्कूल के बच्चों ने किया बढ़िया? हाँ जी हाँ जी, स्कूल के बच्चों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। जैसे ही गाड़ी में आग लगी, अनियंत्र होकर जैसे पेड़ से टकराई तो उसमें आग लगी, और जैसे मौके पर बच्चे की वैन है वो जा रही थी और बच्चों ने बड़ा अच्छा कार्य किया। हमारे देश के बच्चे बहादुर है जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। उन्होंने वैन में से वो उतरे और उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था थी पानी की व्यवस्था करी और उसके बाद आग को बुझाया गया। तो जैसे यहाँ मौके पर मौजूद है, इन्होंने बताया भी ऐसे से बच्चों ने हमें सूचना दी। सर और कोई लोग यहाँ पर आए मौके? बहुत पर? लोग थे सर, गांव के बहुत, सभी गांव सारा इकट्ठा हुआ यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत साथ दिया जी हमारा। फायर ब्रिगेड की तरफ से गाड़ी? हाँ सर नमस्कार जी, फायर ब्रिगेड की तरफ से। नमस्कार जी। तो कब सूचना मिली जी आपको? मेरे को सूचना मिली जी 2:27 पर। अच्छा जी, क्या सूचना मिली थी? भाई रसीदा रोड पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आग लगी है। अच्छा, जल्दी अच्छा। पहुंचो, गड्डी थाना से सूचना मिली जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर तुरंत हमें गाड़ी लेकर पहुंचे। उस समय कहाँ थे जी आप? माँ हमें दफ्तर में थे जी। अच्छा, उस समय बिल्कुल अच्छा। फोन मैंने उठाया था जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने खुद ने बात करी थी मुंशी साहब गले। अच्छा अच्छा जी, उसी टाइम हम चल दिए जी, बाईपास हो गया जी अपना मेला ग्राउंड मंडी से कम आधा घंटा लग जाए। माँ मैं मौके पर सब कंट्रोल कर रखा था गांव वाले ने। और कोई और नुकसान तो नहीं फसल वगैरह? नुकसान तो गांव वाले नहीं पहुंच रहे जी, नुकसान हो जाए जी फसल। अच्छा। का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बच्चे स्कूल वाले बच्चे गांव वाले पहुंच गए, इनकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार है जी। पवन कुमार है फायर ब्रिगेड से, किस पद पे हो सर? ड्राइवर ऑपरेटर। ड्राइवर ऑपरेटर। तो भाई जैसे फायर ब्रिगेड को भी सूचना मिली, मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद जैसे वहां से चले थे, तो यहां पर आने के बाद पता चला कि जो स्कूल के बच्चे थे और गाँव वालों ने मिलकर इस आग को बुझा दिया, क्योंकि अगर इस आग को बुझाया नहीं जाता तो एक बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था, और ये आग इतनी ज़्यादा भयानक हो सकती थी, क्योंकि आपको पता है अब जो फसल है वो तैयार हो चुकी है और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी चिंगारी पकड़ जाती तो एक बड़ा नुकसान किसानों का हो जाता, और जो किसान लगातार मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं उनको भी बड़ी हानि हो सकती थी। और मैं गाड़ी का नंबर दिखाना चाहूँगा कि जो गाड़ी है वो किस नंबर की है। बताया जा रहा है जैसे सूचना है कि वो ये अल्टो गाड़ी गाँव कड़वन की है, ये नंबर दे सकते हैं आप HR16T7238। तो ये अल्टो गाड़ी है, एक बार देख सकते हैं आप, ये नंबर है, और ये अल्टो गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, राख हो चुकी है, जैसे ही पेड़ से टकराई है उसमें आग लगी, उसके बाद बच्चे यहाँ पर पहुँचे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख सकते हैं गांव रसीदा और बी टैक्सिंग के पास एक गाड़ी में आग लगी और जिसके कारण से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसमें एक व्यक्ति सवार था और उसको भी चोटें आई हैं, उसको लेके गए हैं। अब उसके बारे में जानकारी बताई जा रही है कि वो काड़वन गांव से है और ये गाड़ी भी वहीं की है, लेकिन फ़िलहाल गांव वालों ने काबू पा लिया है और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार से आग पर काबू पाया गया और एक बड़े नुकसान से बचाया गया। धन्यवाद। अंदर की तस्वीर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गाड़ी की, पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी है। आप देख, ये पेड़ है, एक शीशम का पेड़ जिसमें वो गाड़ी टकराई है और टकराने के बाद उसमें भयंकर आग लगी है। ये देख सकते हैं ये पेड़ है, वो इसमें टकराने से आग लगी है, ये शीशा ही पड़ा हुआ उस गाड़ी का, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर बच्चे जो स्कूल के जा रहे थे उन्होंने रोका वैन को, और फिर यहाँ आसपास के घर है जो उनमें सूचना दी, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है, गांव रसीदा और ढाबी टैक्सिंग के बीच जो रास्ता पड़ता है। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम भी इतनी दूर पहुँचते हैं मेहनत कर, तो आप सभी से भी निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके पास भी किसी प्रकार की सूचना है तो आप हमारे नंबर पर सूचना दे सकते हैं, ऊपर हमारा नंबर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।